जागृत महाराष्ट्राचं लाईव्ह वेबसाईटचा शुभारंभ झालेला आहे. जागृत महाराष्ट्राच्या दर्शकांना आणि जागृत महाराष्ट्राला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. बीआरसीएल महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विशाल भगत यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन. जागृत महाराष्ट्र उच्चा बातमीची दखल घेत मनपा मड शाळेला देणार इंटरनेट सेवा. मालाड मड बिहार सेल महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विशाल भगत दरवर्षीप्रमाणे यांनी आपला वाढदिवस साजरा केला. त्याचप्रमाणे समाज उपयोगी उपक्रम राबवत आपल्या जन्मदिवसाची सुरुवात सकाळी त्यांनी प्रथम मड येथील प्राचीन ऐतिहासिक देवस्थान केशवेश्वर मंदिराला केली. त्यानंतर श्री हरबादेवी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले. भाजपा पक्षाचे जे महाराष्ट्राचे बिहार सेलचे उपाध्यक्ष विशाल भगतजी आहेत, आज त्यांचा वाढदिवस आहे. प्रत्येक व्यक्ती हा वाढदिवस आपल्या मित्रांसंगती परिवारासंगती कुठेतरी हॉटेल्स इतर ठिकाणी जाऊन वाढदिवस साजरा करतात, पण हे आपला वाढदिवस दरवर्षी लोकांमध्ये जाऊन जनतेच्या हिताचे कार्य करत असा वाढदिवस साजरा करत असतात. तर आज आपण जाणून घेणार आहोत की आजचा जो वाढदिवस आहे हा वाढदिवस कशा पद्धतीचा साजरा करणार आहेत, पूर्ण दिवसाचं नियोजन त्यांचं कशा पद्धतीचं असणार आहे. सर्वप्रथम तुम्हाला वाढदिवसाच्या जागृतच्या पूर्ण टीमकडनं खूप शुभेच्छा. हर साल आपका जो जन्मदिवस आहे वो किती अनाथ आश्रम में जाके साजरा करते हैं. संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है और हमारे सनातन धर्म में बच्चों को संस्कार दिया जाता है. आज मैं बता रहा हूँ, मेरे दादाजी श्री महावीर प्रसाद भगत का मैं पोता हूँ और विजय शंकर भगत का बेटा हूँ. मेरे दादाजी मेरे पिताजी ने संस्कार दिया है कि मानव सेवा करते हुए ही अपने जन्मदिन की जो शुभेच्छा है अगर कोई अगर देता है तो मानव सेवा से शुरू करते हैं. तो पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से आशीर्वाद लेता हूँ हर साल. इस साल भी आज मेरा सौभाग्य है कि देवघर में जिस प्रकार आज जल चढ़ाया जा रहा होगा, कांवरियों के द्वारा आज जल चढ़ाया जा रहा होगा, वैसे ही आज जल अभिषेक हम किलकेश्वर मंदिर में करने का मुझे सौभाग्य मिला. आज पहला सोमवार आज किलेश्वर मंदिर में हमने जल चढ़ाया और ईश्वर से प्रार्थना किया, ईश्वर से परमिशन लिया कि मैं आज के दिन
जनता के बीच में जाके लोगों की सेवा कर सके और यही मेरी शुरुआत होती है। और मैं चाहता हूँ भोलेनाथ हर कोई को सुख संपन्न करे, संपत्ति से भरपूर रखे, हर तरह से खुशी आनंद ही जिंदगी बिताए। आज तुमचा वाढदिवस कशा पद्धतीने साजरा होणार आहे, पूर्ण दिवसाचं कशा पद्धतीचं नियोजन आहे? मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज अनाथ आश्रम में अनाज वितरण का कार्यक्रम है। जो मजदूर किसी ना किसी कारणवश असमर्थ रहते हैं, वो नहीं अपने आप को सक्षम कर पाते हैं, उन लोगों को 2-2 लाख रुपया का श्रम कार्ड के द्वारा, उन लोगों को कम से कम 300 लोगों को श्रम, 500 लोगों को कम से कम श्रम कार्ड दिया जाएगा, हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। हेल्थ कार्ड के माध्यम से उनके जो शरीर में बीमारी है वो एक कार्ड में रहेगा। जो फाइल लेके घूमते हैं, कभी कभी फाइल मिसप्लेस हो जाता है, लोगों को तकलीफ़ होता है, तो वो हमने ऐसा व्यवस्था किया है कि सबका हेल्थ कार्ड बने। और हेल्थ कार्ड के माध्यम से आज मैं हेल्थ कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूँ, 500 हेल्थ कार्ड, 500 श्रम कार्ड और अनाज वितरण। और यहाँ पर मराठी स्कूल है, वहाँ पर डोंगल, क्योंकि वाईफाई के बिना बच्चे लोग वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं। अब हमारी सरकार आ गई है और हमें अगर कुछ करने की इच्छा है तो हम कर सकते हैं। के साथ आप काफ़ी दिन से काम करते हैं, आप देखते हैं कि उनका कैसा कार्य चल रहा है, आगे उनका कार्य ये चालू रहे उसके लिए क्या शुभकामना देंगे? देखिए, पहले तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा। दूसरा, विशाल जी को दूसरा नाम है समाज सेवक। विशाल जी एक से एक समाज का काम करते रहते हैं। लॉकडाउन में, कोरोना काल में जितना इन्होंने दान पुण्य का काम किया, अनाज राशन खाना ये वो, अभी आज जन्मदिन है नेताजी का, वो घर ही बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, ई श्रम कार्ड आज देंगे 500 लोगों को, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम हैं जो नेताजी करते हैं। वृक्षारोपण करने वाले हैं, इस मराठी स्कूल में जाने वाले हैं, अनाथालय में जाने वाले हैं। इस तरह से विशाल भगत जी जो माननीय नेताजी हैं भाजपा के, वो एकदम दिन रात मेहनत से लगे रहते हैं कि समाज का कैसे भी भला हो। तो उनको बहुत बहुत शुभेच्छा, भगवान उनको लंबी आयु दे, उनका शरीर स्वस्थ रहे, ताकि वो इसी तरह समाज की सेवा करते रहें। त्यांचा श्रावण आता, त्यांचा उत्तर भारतीय श्रावण चालू झालेलं आहे, त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। कारण हे नेहमी कार्यरत असतात आणि आपल्या मडगावामध्ये येत असतात। त्यांचं आपल्या श्री हरभादेवी ग्रामदेवी मंदिर ट्रस्ट इथेसुद्धा चांगलं योगदान त्यांनी, आपल्याला दानपेटीसुद्धा तिथे अर्पण केलेली आहे, त्या तेव्हा मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आहे। थँक्यू। आपल्या दिवसाच्या कार्याची सुरुवात केली, मड येथील सेमी इंग्रजी मनपा शाळेला भेट देत वृक्षारोपण केले व जागृत महाराष्ट्र न्यूजने काही दिवसांपूर्वी बातमी प्रकाशित केली होती शाळेला इंटरनेट सेवा असल्याची। या बातमीची दखल घेत शाळेला इंटरनेट सेवा पुढील 2 दिवसात देणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले। काम करा लाख मोलाचे। आज के दिन मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो मराठी स्कूल, मनपा मराठी स्कूल में आप तमाम छात्रों का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं, और जितनी भी शिक्षिका है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आज के दिन हम लोग पेड़ लगाएंगे और पेड़ जो लगाएंगे उसकी सुरक्षा भी खुद करेंगे। पेड़ लगाना तो जरूरी है आज पर्यावरण को देखते हुए, जिस प्रकार से आज पूरे देश में आप देख रहे होंगे, विदेश में भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पेड़ नहीं लगने के कारण आपदा आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग पेड़ लगाएंगे भी और पेड़ का सुरक्षा भी करेंगे। तो मैं हर साल जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये काम करता हूँ और आप लोग से भी आग्रह करता हूँ बच्चे लोग कि आप लोग भी पेड़ की सुरक्षा अवश्य करें और अपने अपने कोई भी त्यौहार में पेड़ लगाएं। और विशाल भगत जी का अपना एक अलग तरीका है काम करने का, उन्होंने बहुत सी जगहों पे बहुत से अच्छे काम किए हैं, लोग उनको प्यार देते हैं, उनका अच्छा नाम है, जहाँ भी जाओ, जो भी एरिया में जाओ, अम्बुजवाड़ी, मालवनी,
हमारे ये आज हम जहाँ खड़े हैं ये स्कूल में करीब करीब 2 साल पहले नेताजी एक बार इधर से गुजरे, उन्होंने कहा बहुत हालत ख़राब है स्कूल की, उन्होंने अपने दिल में ये प्रण लिया। उस दिन मुझे याद है कि अच्छे से उनका शायद जन्मदिन था और हम लोग साथ में कैलेश्वर मंदिर पे वो लोग पूजा के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में वो यहाँ रुके और उन्होंने बोला कलीम ये जो हमारा गाँव का जो इन्होंने हाल करके रखा है उस हिसाब से हम इस स्कूल को कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे, और सोशल वर्क के नाते जो इन्होंने कार्य किए वो बहुत ही उत्साहित हैं और आज हम खड़े हैं। ये 1 साल 2 साल के बाद नेताजी ने फिर अपने जन्मदिन पे यहाँ आके बच्चों को जो प्रण दिया और जो यहाँ पे वृक्ष लगाए उसके लिए मैं नेताजी का धन्यवाद करता हूँ। मैडम काय सांगाल, आज शाळेमध्ये वृक्षारोपणचा आपला कार्यक्रम ठेवलेला आहे, पण आम्हाला आज खरंच कौतुक वाटतंय की आमच्या या महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये आज हे समाजसेवक विशाल भगत आमच्या मुलांसाठी केवळ आणि केवळ वृक्षारोपण हा जो कार्यक्रम आहे तो अतिशय त्याला अधिक असं एक छान आनंदमय वातावरण तयार करण्यासाठी खास त्यांच्या या वाढदिवसाच्या दिवशी ते आमच्या शाळेमध्ये हजर झालेत। मुलांमध्ये त्यांना मुलांना आमच्या खूप छान मार्गदर्शन करून एक वृक्षारोपणाचा हा जो नवीन असा तो प्रकल्प हा नेहमीच राबवले जातात, पण विशेष करून आता आमच्या या महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये एक वेगळी काट टाकली जाते आणि अशा कार्यक्रमाला आमच्या हे जे सर्व समाजसेवक येऊन आम्हाला विशेष कौतुक आमचं करतायत, आम्हाला जो पाठिंबा देत आहेत त्याचं खरंच कौतुक करण्यासारखं आहे, आणि असा जर आम्हाला सतत त्यांचा पाठिंबा राहिला तर निश्चितच आमच्या ह्या महानगरपालिकेच्या शाळा वेगवेगळे प्रकल्प वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी घेऊन आमच्या शाळांचं अधिकाधिक आमच्या शाळा प्रगत कशा होतील आणि या प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल कशा करतील यासाठी आम्ही सगळे शिक्षक तर कटिबद्ध आहोतच, पण या समाजसेवकांचं जर असं मार्गदर्शन लाभलं तर खूपच छान, आणि खरंच आज त्यांच्या या विशाल भगत यांचा आज वाढदिवस आणि त्यानिमित्ताने ते इथे आले, त्यामुळे आज मी पूर्ण शाळेच्या वतीने त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते, असंच पाठबळ त्यांचा आम्हाला सतत लाभत राहो याच त्यांच्याकडून आम्ही अपेक्षा ठेवतो। यापुढे शाळेला काही मदत लागली तर ती मदत आपण पुरवू असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले। मुलांनी जास्त प्रमाणात झाडे लावली पाहिजेत तसेच ती झाडे वाचवली पाहिजेत असा विद्यार्थ्यांना सल्ला दिला, तसेच शाळेतील मुख्य शिक्षिका आशा ब्राह्मणे यांच्या कार्याचे कौतुक केले। या प्रसंगी शाळेच्या शिक्षकाने विशाल भगत यांचे आभार व्यक्त केले। या कार्यक्रमानंतर विशाल भगत यांनी मड पास्कलवाडी येथील ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचालित वृद्धाश्रमाला भेट देत तिथे अन्नधान्य वाटप करण्यात आले, तसेच आजच्या पिढीने आपल्या आई वडिलांची काळजी घेतली तर अशा अनाथाश्रमांची देशाला गरज भासणार नाही असे जागृत महाराष्ट्र न्यूजशी बोलताना सांगितले। ग्रामीण महिला बहुसेवाभावी संस्था संचालित आज मैं अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आप लोगों के सामने आया हूँ, सौभाग्य और आपने का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपने मुझे सहयोग दिया, मौका दिया कि आप लोगों के बीच में अपना जन्मदिन मना सकूं। इनके ट्रस्टी हमारे मित्र और हमारे पत्रकार मित्र अमोल जी, हमारे सहयोगी कलीम भाई, वार्ड 33 के अध्यक्ष लता गुप्ता जी, विनोद यादव जी और तमाम यहां पर वृद्धाश्रम में बैठे भी जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसका बहुत विरोध करने वाला आदमी हूं, कोई भी बेटा चाहे कोई भी बेटी अपने मां बाप को अपने घर से अलग कैसे कर सकती है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और मैं इस चीज को बहुत एहसास करता हूं। सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम जो है वो नहीं होना चाहिए, बेसिकली नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए, कड़ा कानून बनना चाहिए, बेटी और बेटा चाहे उसके रिश्तेदार जो उनके परिवार के जमीन के सुख में भागीदारी रहते हैं, जब पैदा होते हैं जब उस समय वो अगर अपने परिवार को समय देते हैं
और उस समय का भागीदारी अगर वो इंसान है तो निश्चित ही अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए और कभी भी उनको ये मौका नहीं आने देना चाहिए कि उन्हें कहीं कि किसी पे आश्रित होने की मौका हो। आज मैं अपने जन्मदिन में आप लोगों के बीच आया, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग ने परमिशन दिया हमें यहाँ पर आने के लिए। हमारे मार्गदर्शक गोपाल सेट्टी जी जो हरदम सेवा के लिए आप लोगों की जरूरत के लिए हरदम मैदान में रहते हैं और आप लोग के जवाब आप लोग का जो परेशानियां है उसको संसद तक पहुंचाते हैं, यहाँ के सरकार को पहुंचाते हैं। यहाँ के लोग पानी के लिए मोहताज हैं, बिजली के लिए मोहताज हैं। आज जो नाला बना हुआ देख रहे हैं रास्ता में, जो नाला बना हुआ है वो नाला किस काम का जब उसमें अगर पानी ही नहीं जा सकता है, वो रास्ता में पूरा गड्ढा बन गया है। मुझे लगता है मलाड गड्ढा में है, गड्ढा मलाड में नहीं है, मलाड गड्ढा में है। ये स्थिति पैदा कर दिया है इन लोगों ने अपने अपने सुख के चलते, जनता के सुख के बारे में सोचते नहीं है। नमस्कार, मी वनिता भोसले, ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेतर्फे मी अध्यक्ष आहे। तर ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेमध्ये येण्याच्या अगोदर मी एक छोटासा व्यवसाय करत होते, त्याच्यातनं मला धनगे सरांनी हे केलं ह्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे मग मी हे सेवा करण्यामध्ये खूप आनंदी आहे। मग त्यांची सेवा म्हणजे मी एक माझ्या आईवडिलाची सेवा करते, मला त्याच्यात असा आनंद होतोय। आणि त्यांची जेव्हा जेवढी सेवा करेन तेवढे मला कमीच आहे। आणि त्याच्यानंतर विशाल सर तर आमच्यासोबत आहेतच, त्याच्यामुळे मग कुठली काही प्रॉब्लेम आले तर आम्हाला सपोर्ट करायला ते आहेत, आपले धनगे सर आहे संचित, त्याच्यामुळे मग हे सेवा करण्यामध्ये मला काहीच वाटत नाही। विशाल भगत सरांचा आज बड्डे आहे आणि ते आमच्या ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेमध्ये त्यांचा बड्डे सेलिब्रेट करण्यासाठी आलेले आहेत। आणि त्यांच्या बड्डेची थोडीशी आम्हाला सहकार्य केलं, त्याच्यामध्ये आम्ही सहभागी झालात, त्यांचा आनंद ते आम्हाला आमचा आनंद असा वाटला, त्याच्याबद्दल धन्यवाद। सर पहले तो मैं यहाँ पे जो वृद्धाश्रम है उनके संयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दूर दूर से आए हुए लोगों को, बेसहारा लोगों को आसरा दिया। और धन्यवाद देना चाहता हूँ विशाल भगत जी का कि इन्होंने अपना बर्थडे यहाँ मनाया और ऐसे ही लोगों को प्रेरणा मिलती रहे, लोग आते रहे और ये इनको जो खुशी जो मिलती है थोड़ी सी ऐसे ही खुशी इन वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों को मिले। विशाल भगत सिंग यांचे वाढदिवसाची शुभ इच्छा आणि वाढदिवसानिमित्त आणि सर्व मंडळी जमलं याच्याबद्दल आणि धन्यवाद देतो। मी जितकं धन्यवाद देईन तेवढं थोडंच आहे, दरवर्षी येत चला आणि आम्हाला आनंदामध्ये सहभागी करत चला। इथे येणारे जो रंजलेले गांजलेले आहेत, कुटुंबापासून दूर आहेत, हे दुःख फार मोठं आहे। तेव्हा दरवर्षी येऊन सहभागी करावे हीच विनंती। संस्थेचे संस्थापक ॲडव्होकेट शिवाजी धनगे यांच्या कार्याचे कौतुक केले। या कार्यक्रमानंतर वॉर्ड क्रमांक 51 मध्ये मामू गल्ली या ठिकाणी भाजपच्या कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले। भाजपा वरिष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांनी त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। कार्यालयाचे उद्घाटन करत मड येथे 10वी 12वीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा घड्याळ व प्रमाणपत्र देत सत्कार करण्यात आला। काय सांगाला, विशालजीच्या माध्यमातून हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, विद्यार्थ्यांना एक प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे आणि यामुळे एक विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे। तुम्हाला मुलाचं हे प्रमाणपत्र घेत असताना कशा पद्धतीचं फील झालेलं आहे या संदर्भात काय सांगा? आनंदाची गोष्ट आहे, असेच कार्यक्रम पुढे पुढे चालू राहिले पाहिजे। सांगितलं जातं की झोपडपट्टीमध्ये जे आहे शैक्षणिक वातावरण नाही आहे, पण आज इथलं जे वातावरण पाहून तुम्हाला काय वाटतं? नाही, चांगली आनंदाची गोष्ट आहे, चांगलं म्हणजे मुलं हे करत चाललेले आहेत, झोपडपट्टी म्हणून आहेत म्हणून असं हे नाही की याच्यामध्ये मुलं हे नाही करत करूनशी। तुमच्या मुलाला किती गुण मिळालेले आहेत आणि कोणत्या शाळेमध्ये शिकायला होतं? सेंट अँटोनी स्कूलमध्ये होता, मालवणी चर्च, 86% भेटलेले आहेत त्यांना। सर मेरा नाम नितिन सिंह है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था और मेरे को 76% आए, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है 76% ला के। कौन से स्कूल से? सर जेपी हाई स्कूल। एक समाज में जब अपना ऐसा मान सम्मान किया जाता है तो एक कैसा फील होता है? सर बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है हमें कि हमारा मान सम्मान कर रहे सब। या प्रसंगी विद्यार्थ्यांनी विशाल भगत यांच्या कार्याचे कौतुक करत आभार व्यक्त केले। या सन्मानामुळे
आम्हाला आणखी प्रोत्साहन मिळाले असे जागृत भाषण दिवशी बोलताना त्यांनी सांगितले. या प्रसंगी मालाड येथील गुरु यादव, वॉर्ड अध्यक्ष मनोज मिरिंडा, नंदनवार सिंग मालाड सचिव कलीम लिजानी सिंह तसेच सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. जागृत महाराष्ट्र मळ. ताज्या अपडेट्ससाठी जागृत महाराष्ट्राला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा.